हे ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडिंग विद प्रजापति में आप सभी का स्वागत है। तो मैंने आज ये ट्रेड लिया था यहाँ से। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई थी, उसके बाद में ये तो बाद में मैंने वो देखा कि राइजिंग इसका ये भी बनाए, राइजिंग वेज पैटर्न भी बनाए। ये पैटर्न था और मैंने यहाँ से शॉर्ट किया था। ये फर्स्ट कैंडल जो ग्रीन कैंडल बनी थी ना, नहीं ये ग्रीन के बाजू में जो रेड कैंडल थी ना डोजी टाइप, उधर से ही मैंने लगे शॉर्ट किया था। वैसे मैं ऊपर से ही शॉर्ट करने वाला था। क्यों 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 ऊपर से शॉर्ट करने वाला था कि क्योंकि एक तो ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लिया था, प्लस इसने एक हैमर दिया था, इन्वर्टेड हैमर दिया था, और एक स्ट्रांग बेरिश कैंडल भी दी थी। तो मैंने फिर नीचे से इसको शॉर्ट किया। मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि यहाँ से इस कैंडल में मैं प्रॉफिट लेके बाहर निकल गया। वहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से मुझे वापस रिजेक्शन लिया मिला, यहाँ से मैंने वापस इसको शॉर्ट किया और कंटिन्यूस नीचे आ गया। मतलब ये रीटेस्ट करने गया था, मेरा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया और वापस मैंने स्टॉक ट्रेड किया और ये कंटिन्यूस नीचे आया। फिर यहाँ पे मैंने एग्जिट हो गया था। मैं यहाँ पे ये इस कैंडल बड़ी कैंडल में। तो कल के लिए आपको क्या करना है गाइस? कल के लिए आपको करना है कुछ भी नहीं करना है। अगर ये 35,500 की तरफ आए कल, 35,500 या 35,550, 35,550 वहाँ से एक रिजेक्शन लेता है तो आपको शॉर्ट कर देना, बाय में मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। और अगर फ्लैट फुल की ये नीचे के लेवल से क्रॉस होता है नीचे के लेवल में, तो 200 के 250 के नीचे आप सेल कर दो इसको, या 200 के नीचे आप सेल कर देना। और पहला टारगेट आपका रहेगा 35,000 का, पहला टारगेट रहेगा। अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो ये यहाँ तक आ सकता है गाइस, ज़्यादा की उम्मीद मत करना, 35,500 तक आ सकता है, 34,500 तक। तो ये है कल का सिनेरियो। और वैसे बाइंग में मत घुसना, अगर कल अच्छे खासा भी मार्केट ऊपर जाए तो प्लीज़ आप बाइंग में मत करना, क्योंकि कब मार्केट ऊपर से नीचे आ जाए कुछ कह नहीं सकते। अभी न्यूज़ भी थोड़ा नेगेटिव ही चल रहा है और मार्केट के ऊपर प्रेशर है। और फिर ने तो आपने देखा ही होगा परसों मार्केट कैसे गिरा। अपने आरबीआई ने मीटिंग भी की, फीड का तो ठीक है, तभी भी ठीक है, मगर आरबीआई ने अपना रेट हाई किया, उसके हिसाब से बहुत ही तेज़ी से मार्केट गिरा। अभी एक दो दिन मार्केट को संभलने के लिए लगेगा। मंडे के दिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट ऊपर की तरह निकल सकता, ऊपर ऊपर जा सकता है, बट मंडे को ही नहीं निकलेगा। नेक्स्ट वीक में थोड़ा हॉल्ट करेगा नीचे के साइड में, थोड़ा टाइम लेगा बॉटम बनाने के लिए। उसके बाद में ये 35,000 से मुझे लगता है वहाँ पे वापस बाउंस बैक हो सकता है। अगर 35,000 होल्ड नहीं कर सकता ये, तो फिर नीचे आने की संभावना है। फिर आराम से आप 33,000 तक नीचे आ जाएगा मार्केट, या 34,000 तक आ जाएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल। थैंक यू गाइस।